हेलो गाइस, मेरा नाम ओम प्रकाश सैनी है और अगर आपको 12th क्लास के नोट्स चाहिए तो आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। अब हम हमारे नोट्स के हिसाब से पढ़ेंगे। ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की जो ज़रूरत थी वो हमने दूसरे वीडियोस में देख ली। अब हम लिमिटेड पढ़ेंगे एग्ज़ाम के हिसाब से, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आप क्या लिखें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आ सकें। तो हम अपना पहला चैप्टर लेते हैं जिसका नाम है वैद्युत आवेश और क्षेत्र, यानी वैद्युत क्षेत्र, तो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहले बात आती है कि वैद्युत आवेश होता क्या है, यानी कि इसकी परिभाषा क्या देंगे। वैद्युत आवेश किसी वस्तु जिसके कारण वह वैद्युत में प्रभाव अनुभव करता है, यानी कि कोई भी वस्तु जो है वो वैद्युत में यानी कि आवेशित हो जाती है तो उसको ही क्या बोलते हैं, आवेश बोलते हैं। आवेश एक अदिश राशि होती है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपसे पूछा जाए अदिश है या सदिश, तो आप बोलेंगे कि अदिश राशि है। इसमें को प्रदर्शित करने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। तो आवेश कैसी राशि है, अदिश राशि है। इसका मात्रक कोलाम होता है जिसको सी से प्रदर्शित किया जाता है इस प्रकार से, जैसे 3 कोलाम, तो यानी कि 3 कोलाम आवेश है। आवेश की संकल्पना इलेक्ट्रॉन के आधार पर दी जाती है, यानी कि जो आवेश होता है किसी भी वस्तु पर वो कितना आवेश है, तो अगर उसकी संकल्पना देनी हो तो हम इलेक्ट्रॉन के आधार पर देते हैं। यदि किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की हानि है तो इसे धनावेशित कहा जाता है, और यदि किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो तो उसे ऋणावेशित कहा जाता है। देखिए होता क्या है, जैसे मान लीजिए कोई एक वस्तु ये है और एक वस्तु ये है, ठीक। प्रारंभ में क्या होता है, यहाँ पे कुछ आवेश प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के रूप में इस पर होता है और प्रोटॉन। अब शुरू में क्या होता है, जब वस्तु उदासीन होती है तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है वो बराबर होती है। बराबर होने की वजह से इस पर जो नेट आवेश होता है वो ज़ीरो होता है, इस पर भी ज़ीरो है। लेकिन होता क्या है, मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन है, ये इस वस्तु से निकाल कर इस वस्तु पर भेज दिए जाएँ तो इस पर ज़्यादा क्या बच जाएगा, प्रोटॉन। प्रोटॉन पर कौन सा आवेश होता है, धनावेश, और इस पर प्रोटॉन तो उतना ही रहेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है जिस पर ऋणावेश होता है उसकी संख्या बढ़ जाएगी, तो इस वस्तु पर आ जाएगा ऋणावेश और इस वस्तु पर आ जाएगा धनावेश। कहने का मतलब इसमें जो प्रोटॉन है वो अधिकता में हो जाएंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन अधिकता में हो जाएंगे। तो अगर कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन त्यागता है, त्यागने से उस पर क्या आता है, धनावेश, और अगर कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है तो उस पर आता है ऋणावेश। तो आवेश के प्रकार 2 प्रकार का हो गया, एक तो हो गया धनावेश। धनावेश का मतलब यहाँ पे क्या थी, इलेक्ट्रॉन की कमी थी, यानी कि इलेक्ट्रॉन की कमी, और ऋणावेश इलेक्ट्रॉन की वृद्धि, यानी कि इलेक्ट्रॉन की अधिकता। सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। देख, आवेश के जो गुण होते हैं वो ये होता है कि जो समान प्रकार के आवेश होते हैं, जैसे धनावेश धनावेश या ऋणावेश ऋणावेश, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित, यानी कि एक दूसरे से दूर जाने का प्रयास करेंगे। और अगर विजातीय आवेश है, विजातीय का मतलब हो गया एक धनावेश और एक ऋणावेश, या एक ऋणावेश एक धनावेश, इस प्रकार से युग्म है, तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, यानी कि एक दूसरे के पास आने का प्रयास करेंगे। अब बात करें कि आवेश का मात्रक क्या होता है, तो आवेश का जो SI पद्धति में मात्रक होता है वो होता है कूलाम। वो किस प्रकार से होता है, जैसे I यानी कि विद्युत धारा क्या होती है, इकाई समय में प्रवाहित आवेश की मात्रा। आवेश क्या है, आवेश ज्ञात करना है तो I इंटू टी। I क्या है, विद्युत धारा, जिसको क्या बोलते हैं, एम्पियर, और टी का मतलब सेकेंड, तो इसका एक मात्र तो हो गया, मात्रक हो गया आवेश का एम्पियर इंटू सेकेंड, और दूसरा इसको क्या बोलते हैं, कूलाम। और CGS पद्धति में क्या हो गया, स्टेट कूलाम,
मात्रक होता है किस पद्धति में? सीजीएस में। ये तो ऐसा ही मात्रक हो गया, ये सीजीएस। सीजीएस का मतलब होता है, सी का मतलब होता है सेंटीमीटर, जी का मतलब होता है ग्राम, और एस का मतलब होता है सेकेंड। और एसआई का मतलब हो गया उसमें जो सेंटीमीटर है यानी कि जो लंबाई है वो तो आएगी मीटर में, और जो भार होता है वो ग्राम की जगह आएगा किलोग्राम में, और जो टाइम है वो तो सेकंड में आएगा। तो एक कूलम कितने के सीजीएस के बराबर होता है? वो होता है 3 × 10 की पावर 9 स्टेट कूलम। विद्युत चुंबकीय मात्रक क्या होता है? 1 कूलम बराबर होता है 1/10 EMU। विद्युत चुंबकीय मात्रक EMU में प्रदर्शित किया जा सकता है, और 1 कूलम किसके बराबर होता है? 1/10 EMU के बराबर होता है। अब बात करते हैं कि सबसे छोटा मात्रक क्या होता है आवेश को प्रदर्शित करने के लिए। सबसे छोटा जो मात्रक होता है वो होता है फ्रैंकलिन, और आवेश को प्रदर्शित करने के लिए सबसे बड़ा मात्रक जो होता है फेराडे। 1 फेराडे बराबर कितना होता है? 96,500 कूलाम। तो सबसे बड़ा मात्रक आवेश को प्रदर्शित करने के लिए फेराडे, और सबसे छोटा मात्रक फ्रैंकलिन। अब आवेश को प्रदर्शित करने के लिए और भी मात्रक यूज़ करते हैं, जैसे माइक्रो कूलाम, नैनो कूलाम, पीको कूलाम और मिली कूलाम। माइक्रो कूलाम में 10 × 10 की पावर -6 कूलाम होते हैं, नैनो में होते हैं 10 की पावर -9, पीको में होते हैं 10 की पावर -12 कूलाम, और मिली कूलाम में क्या होता है? 10 की पावर -3 कूलाम। तो ये इसके अन्य मात्रक हो गए किसके? आवेश को प्रदर्शित करने के लिए। अब बात करते हैं कि जो आवेशों के मूलभूत गुण होते हैं वो क्या क्या होते हैं। ये कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, और आगे भी पूछने की पूरी पूरी संभावना है कि आवेशों के मूलभूत गुण होते हैं वो क्या क्या होते हैं। तो पहला होता है आवेश का संरक्षण। इसके अनुसार क्या होता है? संरक्षण के नियमानुसार क्या होता है? किसी भी विलगित निकाय में कुल आवेश नियत रहता है, यानी कि कोई भी ये कोई पिंड है, ये निकाय है, इसके अंदर जो कुल आवेश होगा वो नियत रहेगा। इसको ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। केवल क्या होता है? ट्रांसफ़र होता है, एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ट्रांसफ़र किया जा सकता है, लेकिन नष्ट नहीं किया जा सकता। दूसरा होता है आवेशों की योज्यता। किसी निकाय का कुल विद्युत आवेश विभिन्न अवयवी कणों पर उपस्थित विभिन्न आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यानी कि एक वस्तु है, उस पर +3 कूलाम, -2 कूलाम, +4 कूलाम, इस प्रकार से अलग अलग आवेशित किया जाए, तो इस पर कुल आवेश का अगर मान ज्ञात करना हो तो इसका बीजगणितीय योग कर देंगे। जैसे 3+ का है, 4+ का है, तो प्लस का हो गया 7, और -2 यानी कि प्लस का कितना हो गया? 5 कूलाम। इस प्रकार से बीजगणितीय योग के बराबर होता है किसी भी निकाय में कुल आवेश का मान। फिर आता है आवेशों का क्वांटीकरण। क्वांटीकरण के सिद्धांत के अनुसार किसी वस्तु पर आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणक होता है, जिसे मूल आवेश कहते हैं। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। कहने का मतलब ये होता है किसी भी वस्तु में न्यूनतम जो आवेश होता है उसका मान 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। इससे कम आवेश उपस्थित होना असंभव है। अगर एक वस्तु से दूसरी वस्तु में न्यूनतम आवेश ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो कम से कम उसका मान जो हो सकता है वो 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। अब इसका मान ये तो हो गया न्यूनतम। अब इससे ज़्यादा जो होगा वो होगा इसके मल्टीपल में, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, ऐसा नहीं हो सकता, 1.5 इलेक्ट्रॉन। इसका पूर्ण गुणक हो सकता है, इलेक्ट्रॉन का जो होता है वो पूर्ण गुणक के रूप में होगा। यह गुण आवेश की क्वांटम प्रकृति या आवेश का क्वांटीकरण कहलाता है। तो क्यू इज इक्वल टू क्या हो गया? प्लस माइनस एनी। एन तो उसका मान है कि कितने इलेक्ट्रॉन हैं, और ई क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन का मान। तो एन का मान स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या, और क्यू आवेश, और ई आवेश का मान जो होता है वो होता है 1.6 × 10 की पावर -19 कूलाम।
आज के लिए इतना ही, आगे के वीडियो में देखेंगे कि कूलाम का नियम और उससे संबंधित अन्य टॉपिक क्या क्या हैं। ओके, थैंक यू।